खबर जालौन जनपद से है, जहां जिले में क्राइम रुकने का नाम नहीं ले रहा। जनपद वासी खौफ में जीने को मजबूर हैं। बीती रात उरई कोतवाली क्षेत्र में दिन दहाड़े एक युवक को गोली मारने की घटना ने शहर को हिलाकर रख दिया था, तो वहीं कोंच कोतवाली क्षेत्र में मंदिर में एक युवक की ईंट से सर कुचलकर निर्मम हत्या कर दी गई। अभी इन वारदातों को हुए 48 घंटे भी नहीं गुजरे थे कि फिर एक वारदात ने लोगों के अंदर दहशत पैदा कर दी। मामला फिर से कोंच कोतवाली क्षेत्र से सामने आया, जहां के इलाका तिलक नगर में दबंगों ने दिन दहाड़े एक युवक को लाठी डंडों से पीट पीट कर मरणासन कर दिया। बता दें कि जालौन जनपद के कोंच कोतवाली क्षेत्र में एक युवक को काम करने के बहाने बुलाकर दबंगों ने बेरहमी से पीट पीट कर अधमरा कर दिया। इसकी जानकारी जब उस युवक के परिजनों को ही तो वे आनन फानन में मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक दबंग मौके से फरार हो चुके थे। इसकी शिकायत पीड़ित के परिजनों ने साथ मिलकर कोंच कोतवाली में की। गांधीनगर के रहने वाले दीपक को काम के बहाने तिलक नगर के रहने वाले काजू सोनी ने बुलाया था। वहां पर काजू ने अपने साथियों के साथ मिलकर दीपक के साथ मारपीट शुरू कर दी, जिससे दीपक अधमरा हो गया। कैसे भाई मारपीट तुम्हारे? अरे वो हमें फोन आया, बोला वो आपको आइए फिटिंग दिखा दें हम। बस फिटिंग के लाइट फिटिंग के बहाने रास्ते में रोक लिया और बस डंडे से मारना चालू कर दिया हाथ में पैरों में। कौन कौन थे? थे तो 3-4 लड़के, लेकिन नाम दो ही का मालूम है। एक था हेमचंद कुशवाहा और एक था कालू सोनी। क्या किस बात को लेकर मारा? कुछ नहीं, कोई हमारा विवाद ही नहीं है। हम तो लाइट फिटिंग का काम करते हैं, बस रास्ते में फोन करके बुलाया, घर पे सो रहे थे तो चले गए घर पे हमारे। नाम क्या तुम्हारा? हमारा दीपक यार जी। ये जो इंजर्ड पड़े हुए क्या कौन है? ये क्या क्या घटना हुई? हाँ इंजर्ड ये भाई है मेरा, इसका दीपक नाम है, इलेक्ट्रॉनिक का काम करता है। घर पे लगन थी तो ये वहीं पे घर पे था, तो इसके पास फोन आया कि तुम आ जाओ, हम तुम्हें फिटिंग के लिए साइट दिखा दें। इसे फोन करके बुलाया और यहाँ पे जब वो आ गया तो तीन चार लड़के हैं जो यहाँ भीड़ लोगों ने बताया कि 3-4 लड़के थे। उसने ये वाला डंडा डाला है, इससे काफी मारा है उसे और ये बिल्कुल अस्त-व्यस्त हालत में पड़ा हुआ है। क्या कारण रहे होंगे मारने के? अब ये हम नहीं बता सकते क्या कारण है, हमें कोई जानकारी नहीं। क्या कौन लोग थे? अब ये पता नहीं क्या नाम है उसका, वो खुद बोल रहा है क्या नाम है उसका। यहाँ के लोगों ने आपको बताया कि इस तरीके के? अच्छा, किसके सूचना दी आपने? अभी हमने कोतवाली में फोन किया है तो अभी तो कोई नहीं आया, अब देखो आता है कि। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी ही ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।